हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डी क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। और अगर हमारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसमें हमारा होगा रियल एंड यूनिक रूट्स। क्या होगा? और डी इक्वल्स टू जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो कहीं पे, जल्दी से, या मैं पीडीएफ भेज दूंगा, छोड़ दो। अभी अभी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर वन। अब अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो जैसे कि क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ठीक है, ओके। तो यहां पे a है आपका 2, b है माइनस 8 और c है 5। तो आप निकालोगे d का वैल्यू, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 2, c इज 5, 8 8 is 64, 5 4 is 20, into 2 is a 40, so हमारा 24 आ रहा है, and 24 is greater than 0, therefore we are going to have real and unique roots, ठीक है। ये example आया समझ में? अब एग्जाम्पल नंबर टू देखना। एग्जाम्पल नंबर टू में हमारे पास क्या होगा, अगर क्वेश्चन ने दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जब रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो d इज इक्वल टू जीरो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। यहां पे b क्या है, 2k, a क्या है, 3, c क्या है, 27। तो लेट्स पुट द वैल्यूज, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज अ 3, c इज अ 27 इक्वल्स टू जीरो, मतलब 4k स्क्वायर 12 7 84, 8 12 2 24 32 इज इक्वल्स टू जीरो। 4k square is equals to 4 8 is 32, 4 1 is 4. K square equals to 81 divided by 4. So K is equals to plus minus 9 upon 2. Aaya samajh mein? Pakka?